नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू अनदर टेक वीडियो। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं वन प्लस नॉट डिवाइस को कैसे फ्लैश करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो वन प्लस नॉट डिवाइस को फ्लैश करने के लिए हमें वन प्लस नॉट की कस्टम्स फाइल चाहिए, जो कि मेरे पास ऑक्सीजन ओएस की फाइल्स ऑलरेडी डाउनलोड है। सबसे पहले हमें L2 ड्राइवर्स और वन प्लस स्टॉक ऑक्सीजन रोम चाहिए, जो कि हमारे डिवाइस पे इंस्टॉल होगा। तो आप देख रहे हैं, जैसे कि मैंने फोल्डर को ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर चुका हूँ। तो सबसे पहले L2 ड्राइवर्स को ओपन करना है, और जैसा कि मेरा सिस्टम 64 बिट है तो मैं 64 वाले में जाऊँगा। अगर आपका सिस्टम 32 बिट है तो आप 32 बिट वाले में जाइएगा। मैं 64 बिट वाले ऑप्शन में जा रहा हूँ। उसके बाद हमें ये एक्चुअली डिजिटल सिग्नेचर है जो हमें सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ता है। तो पहला जो फाइल है उस पर राइट क्लिक करना है, इंस्टॉल, यस, ओके। फिर सेकेंड ऑप्शन है QCSER64, उस पर डबल क्लिक करना है। व्यू सिग्नेचर पे आइएगा, व्यू सर्टिफिकेट पे, इंस्टॉल सर्टिफिकेट, करंट यूज़र, नेक्स्ट। फिर आपको सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो ब्राउज पे ट्रस्टेड पब्लिशर, ओके, नेक्स्ट, फिनिश, ओके, 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 ओके। तो हमारा डिजिटल सिग्नेचर इंस्टॉल हो गया है। अब हम चलते हैं वन प्लस नॉट के कस्टम रोम फाइल पे, डबल क्लिक करके फाइल को ओपन करना है। वहाँ पे आपको एक टूल दिख रहा होगा, MSM डाउनलोड टूल, उस पर डबल क्लिक करना है, यस करना है। ये टूल प्रिपेयर हो रहा है ओपन होने के लिए। तब तक आपको क्या करना है, अपने वन प्लस केबल को पीसी से कनेक्ट करना है। पीसी से कनेक्ट करने के बाद आप देख रहे हैं, जैसा कि टूल ओपन हो गया है वन प्लस नॉट का कस्टम OS, आपको दिस पीसी पर राइट क्लिक करना है, मैनेज में जाना है और डिवाइस मैनेजर पर क्लिक करना है। मैं आपको बताता हूँ, पूरा प्रोसीजर समझाता हूँ। अब यहाँ पे आपका वन प्लस जो केबल है वो पीसी से कनेक्ट हो चुका है। आपने जो केबल अपने पीसी से कनेक्ट करी हुई है, अब आपको क्या करना है, आपको अपना वन प्लस डिवाइस जो नॉट डिवाइस है उसको कम्प्लीटली स्विच ऑफ करना है। कम्प्लीटली स्विच ऑफ करने के बाद मोबाइल का जो वॉल्यूम अप बटन और डाउन बटन है, आपको दोनों को प्रेस करके डेटा केबल को कनेक्ट करना है फ़ोन में। तो मैं वॉल्यूम अप डाउन को प्रेस करके डाटा केबल कनेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने केबल कनेक्ट किया, हमारे पास एक पीसी पे साउंड आया जो बता रहा है कि हमारा केबल कनेक्ट हो गया है। फिर आप देख सकते हैं डिवाइस मैनेजर में पोर्ट करके एक ऑप्शन आया है, वहाँ पे क्वालकम HS USB क्यू लोडर 9008, ये आपको दिखाएगा तभी आपका ड्राइवर इंस्टॉल है सिस्टम में, जो कि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है। अब यहाँ पे आपका लॉगिन जो दिख रहा है, जो कि कस्टम रॉम है हमारा, वहाँ पे यूज़र टाइप में आपका बाय डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री रहता है। क्लिक करके अदर पे करना है, उसका नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा, आपका MSM डाउनलोड टूल ओपन हो जाएगा। वहाँ पे डिवाइस हमारा कनेक्टेड शो करेगा। फिर आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करिएगा, आपका फ़ोन रीड करेगा, उसके बाद फ्लैश होना, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा फ़ोन फ्लैश होना शुरू हो गया है। ये हार्डली 4 से 5 मिनट लेगा फ़ोन कम्प्लीटली फ्लैश करने के लिए। इससे क्या होगा, हमारा फ़ोन कम्प्लीटली फ्लैश हो जाएगा ऑक्सीजन OS से। मेरा वन प्लस नॉट डिवाइस बहुत टाइम से अच्छे से प्रॉपर से वर्क नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने फाइनली आज उसको फ्लैश किया है कि शायद जो लैग इशू है वो फिक्स हो जाए, क्योंकि मैं पबजी खेलता हूँ, पबजी में बहुत ज़्यादा लैग इशू होता है, इसलिए मैंने इसको फ्लैश किया है।
तो फाइनली हमारा वन प्लस नॉट डिवाइस फ्लैश हो चुका है। जैसे ही यहाँ पे डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा, आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। आपको स्टॉप करना है, इसको क्लोज कर दीजिए और आपका फ़ोन एकदम कंपनी से जैसा फ़ोन आता है ऑक्सीजन ओएस के साथ वैसे आया है। जैसे आप फ़ोन ऑन करिएगा तो उसका जो सबसे लेटेस्ट अपडेट होगा वो आपको स्क्रीन पे पॉपअप करेगा। आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपकी मर्ज़ी हो तो, अगर आपको नहीं करना है तो आप नहीं भी कर सकते। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए टेक वीडियो के साथ।